नमस्कार, दैटॉक पर आपका स्वागत है। क्या आपको पेट में मरोड़ उठती है या फिर आपको दिन में 3 से 4 बार फ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, खाना खाने के बाद भी आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है या फिर स्टूल पास करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती है? दोस्तों, ये लक्षण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हो सकते हैं। इस आंतों की बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उदयपुर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर राजीव शर्मा सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, पेट आंत और लिवर रोग विशेषज्ञ उदयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि IBS क्या होता है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक पाचन संबंधी बीमारी है जो बड़ी आंत को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति को पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, गैस, कब्ज, दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। लंबे समय तक इस समस्या को अनदेखा किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। कुछ मामलों में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की आंत भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से सही समय पर संपर्क करके इसका उपचार करवाना चाहिए। आजकल IBS बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। यह महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पाई जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए आहार में परिवर्तन करें और तनाव या चिंता को कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि IBS के लक्षण क्या होते हैं। IBS कोई एक रोग नहीं है बल्कि एक साथ होने वाले लक्षणों या सिम्टम्स का समूह है। हमारी आंत मांसपेशियों की परत में मिलकर बनती है और जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन को पचाने के दौरान मांसपेशियों में एक सिकुड़न होती है। पर जब भी मांसपेशियां सामान्य से अधिक कांटेक्ट करती हैं तो पेट में गैस बनने लगती है और सूजन भी आ जाती है और यह कंडीशन IBS कहलाती है। दोस्तों, IBS में हर व्यक्ति को अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना, दस्त होना, कब्ज होना, पेट में दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन आना, आलस और चिड़चिड़ापन आना, मल में म्यूकस का आना, ऐसा महसूस होना कि जैसे मल त्याग नहीं किया हो, मल त्यागने में कठिनाई हो सकती है, वजन कम हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है और बुखार भी कभी कभी आ सकता है। तो कुछ लोगों में सेक्सुअल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना एवं कुछ लोगों को जी मचलाना और मल में असामान्य तरल निकलना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। भले ही IBS के लक्षण एक घातक बीमारी के नहीं है, लेकिन यदि इनको नज़रअंदाज किया जाए और इन पर ध्यान ना दिया जाए तो इससे होने वाली जो समस्या है वो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि आपको ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आपको कब डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अगर यह समस्या लंबे समय तक रहे तो आपका वजन धीरे धीरे कम हो जाए, हमेशा पेट में गैस बनी रहे, दर्द मरोड़े ज़्यादा हों या फिर अनीमिया होने लगे, तो आप जल्द से जल्द आपको पेट आंत और लिवर विशेषज्ञ से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। आज हम जानेंगे कि IBS कितने प्रकार यानी टाइप्स का होता है। अपने लक्षणों पर आपको पूरा ध्यान देना जरूरी है ताकि आपका डॉक्टर सही से उसका निदान कर सके। IBS का प्रकार जानना जरूरी है ताकि उसका उपचार बेहतर हो सके। इसमें पहला है IBS-C, मतलब IBS के लक्षणों के साथ कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रमुखता से होना। यह सबसे कॉमन प्रकार है। इस प्रकार के IBS में 25% कठोर मल आता है, आप उसे त्यागने का प्रयास करते हैं जिसमें काफी परेशानी होती है और फलस्वरूप आपके पेट में दर्द और गैस होने लग जाती है। दूसरा प्रकार है IBS-D, मतलब IBS लक्षणों के साथ प्रमुखता से दस्त का होना। इस प्रकार में 25% से अधिक मल लिक्विड फॉर्म में ही आता है और आपको पेट में दर्द के साथ साथ बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है और गैस भी बहुत बनती है। अगला प्रकार है IBS मिक्स्ड। इस प्रकार में कभी मरीज को कब्ज होती है और कभी मरीज को दस्त हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी मरीज में आंतों के इन्फेक्शन के बाद और आंतों की सूजन की बीमारी जिसे डाइवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है उसके बाद भी IBS हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं IBS के कारणों के बारे में।
इसका अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण यह होता है, जिसमें पहला है भोजन करने के बाद अगर मांसपेशियों में संकुचन ज़्यादा हो तो पेट में गैस बनने लगती है और सूजन आ जाती है और धीरे धीरे आंत कमज़ोर हो जाती है। इसके कारण भोजन सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको IBS हो जाता है। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है, जब हमारा ब्रेन आंत से संबंधित गतिविधि का नियंत्रण सुचारू रूप से नहीं कर पाता है तो इसके कारण IBS हो जाता है, इसलिए इसको हम ब्रेन गट डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगला कारण है अर्ली लाइफ स्ट्रेस। किसी भी तरह का तनाव जैसे कि परीक्षा, जॉब इंटरव्यू या फिर किसी भी तरह का कोई संवेदनशील कारण जिसकी वजह से व्यक्ति को तनाव हो रहा है, जैसे कि चिंता से पाचन तंत्र में सूजन आने लग जाती है और IBS के लक्षण आने लगते हैं। अगला कारण है इन्फेक्शन होना। आंतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर व्यक्ति को डायरिया हो जाता है और जो अच्छे बैक्टीरिया का नंबर है वह काफ़ी कम हो जाता है और इसकी वजह से आंतों में बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वह खराब होने लगता है और व्यक्ति को IBS के लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रिगर्स और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से IBS के लक्षण एग्रावेट हो जाते हैं, जैसे खाने की कुछ चीज़ें जैसे कि मसाले, सेम की फली, दूध, ब्रोकोली या शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। इसके अलावा तनाव होने पर IBS के लक्षण आने लगते हैं, तनाव होने पर पाचन तंत्र की जो नली में सूजन आने लगती है, पेट में जलन महसूस होने लगती है, इसके कारण पोषक तत्वों का शरीर में आना कम हो जाता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि अगर IBS की पारिवारिक हिस्ट्री है तो बच्चों में IBS होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा 50 साल से कम उम्र के लोगों को IBS अधिक प्रभावित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में IBS होने का खतरा लगभग दुगना होता है। महिलाओं में मासिक धर्म, प्रेगनेंसी एवं मीनोपोज से भी IBS होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन, चिंता या किसी अन्य मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं तो IBS होने की संभावना कहीं ज़्यादा अत्यधिक होती है। इनके अलावा शारीरिक, सेक्सुअल एवं भावनात्मक समस्याएं भी IBS को बढ़ा देती हैं। दोस्तों, अगर IBS का इलाज समय पर ना किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहता है जिसके कारण व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी पुअर हो जाती है और व्यक्ति को मूड डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं IBS का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। IBS का निदान करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछते हैं, आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि स्टूल टेस्ट। इसमें स्टूल में ब्लड या बैक्टीरिया या किसी भी अन्य इन्फेक्शन करने वाले जीवाणु की जाँच की जाती है। दूसरा टेस्ट है कम्प्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि मरीज को कहीं अनीमिया तो नहीं है या फिर कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगला टेस्ट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। शरीर में लैक्टेज एंजाइम सही मात्रा में नहीं बनने के कारण भी IBS हो जाता है और व्यक्ति को दूध या उससे बने हुए प्रोडक्ट लेने पर IBS के लक्षण आने लगते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्रेड टेस्ट। इस टेस्ट में यदि हमारी आंत में बैक्टीरिया का नंबर मिसमैच है तो यह जो डिसबैलेंस हो गया है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि कोलोनोस्कोपी, CT स्कैन, अपर GI एंडोस्कोपी। दोस्तों, आप हम बात करते हैं IBS का इलाज कैसे किया जाता है। IBS का कोई सटीक कारण नहीं है, इसलिए इसमें लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। उपचार में जीवन शैली में परिवर्तन करना, खान पान में अनुशासन लाना और मेडिकेशन शामिल हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वाला IBS है तो आपको खाने में अधिक फाइबर खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दवाई में लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं और ऐसी दवाइयां भी दी जाती हैं जिसकी मदद से आपकी आंतों की चाल बढ़ सके, जैसे कि लिनाक्लोटाइड, ल्यूबिप्रोस्टोन और प्लेकेनेटाइड। अगर आपको डायरिया वाला IBS है तो उसके लिए लोपेरामाइड या इलोक्साडोलिन जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा अगर यह IBS इन्फेक्शन की वजह से है तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं।
और अगर गट फ्लोरा में चेंजेस होते हैं तो प्रोबायोटिक्स भी दिए जाते हैं जो कि आंत में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रो करने में मदद करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को IBS है तो उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए। आप रोजाना 8 ग्लास पानी पिए, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अंडा और फल भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने में ब्राउन राइस दही सब्जी ले, इसके अलावा फल जैसे संतरा अनार ले सकते हैं, शाम को हल्का हेल्दी स्नैक लें, चाय कॉफ़ी मैदा से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करें, रात को सलाद के साथ सूप लें, IBS में चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें, दही खाएं और बार बार खाने से बचें, मसाला मिर्ची कम लें, आराम से भोजन करें, ग्लूटेन फ्री चीज़ों का भोजन करें जैसे कि वीट बार्ले राई, इनको जहाँ तक हो अवॉइड करें। इसके अलावा IBS के लिए आप मेंटल थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं ताकि तनाव से बाहर आया जाए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अच्छे से विश्राम करें और अच्छी नींद लें। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी, योगा और मेडिटेशन IBS जैसी बीमारी को ठीक करने में बहुत मददगार होती है। सुनिश्चित करें आपकी जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक काम होना चाहिए, चाहे नियमित एक्सरसाइज हो या फिर पर्याप्त नींद। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा पेट आंत लिवर विशेषज्ञ उदयपुर में कार्यरत हूँ और पेट आंत लिवर और पैनक्रियास से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव शर्मा सर, जिन्होंने हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.daidot.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल डाइडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।